दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई तमाम शासक और नेता रहे जो सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही कुछ शासक जिन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न सिर्फ हर तरह के नियमों कानूनों को ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बड़ा संकट भी पैदा किया। कुछ शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने भयानक फैसले के लिए क्रूरता की हर हद को पार कर दिया। पिछले 130 वर्षों में कई राजनीतिक नेताओं ने सबसे भयानक जनसंहार, हत्याएं, क्रूर कारनामों को अंजाम दिया, जिस कारण उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, आप इस वीडियो में दुनिया के ऐसे 5 क्रूर शासकों के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। याकूब गोवन, इसमें सबसे पहला नाम आता है नाइजीरिया के याकूब गोवन का, जिसने युद्ध के दौरान की गई नाकाबंदियों को तोड़ने वाले 1.1 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें 10 लाख नागरिक व 1 लाख सैनिक शामिल थे। किम इल सुंग, उत्तर कोरिया के सन की किंग ने दुनिया के नाक में दम कर रखा है और उत्तर कोरिया के इतिहास में किम इल सुंग उससे भी कई बड़ा सनकी और क्रूर शासक रह चुका है, जो 1.6 मिलियन लोगों के मौत का जिम्मेदार माना जाता है। किम इल सुंग भी अमेरिका को अपने सामने तुच्छ मानता था और लोगों को खुद को भगवान मानने पर मजबूर करता था। एडोल्फ हिटलर, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था और कई साल तक जर्मनी का शासक रहा। जर्मनी के नाजी तानाशाह हिटलर के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। हिटलर ने 1.1 करोड़ लोगों की हत्या का आदेश दे दिया, उसमें 60 लाख यहूदी थे। उसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में भी ढकेला। लड़ाई में 7 करोड़ लोगों की जाने गई। युद्ध के अंत में पकड़े जाने के डर से हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इदी अमीन, 7 साल तक युगांडा की सत्ता संभालने वाले इदी अमीन ने 2,50,000 से ज़्यादा लोगों को मरवाया। इदी अमीन ने नस्ली सफाए, हत्याओं और यातनाओं का दौर चलाया। यही वजह है कि इदी अमीन को युगांडा का बूचड़ भी कहा जाता है। माओ त्सेंग तुंग, माओ को लोग आधुनिक चीन का निर्माता भी मानते हैं। हालांकि चीन ने माओ का मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन इस विचारधारा के कारण भारत अब भी परेशान है। अमीर घर से आए माओ ने चीन में कम्युनिस्ट राज की स्थापना की। माओ त्सेंग तुंग के कारण 1949 से 1976 तक 49 से 78 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।